होशंगाबाद नगर परिषद बनखेड़ी के तत्वावधान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी गरीब आवासहीन परिवारों को अपना स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए 168 परिवारों को 1,68 करोड़ रुपए की पहली किस्त स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटे गए। क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह और विधायक ठाकुर दास नागवंशी द्वारा प्रमाण पत्र बांटे गए। इस अवसर पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नितिन ताले, तहसीलदार राजीव कहार, सीएमओ संतोष रघुवंशी उपस्थित थे। वहीं भाजपा नेताओं सहित नगर परिषद के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बनखेड़ी से जगदीश गढ़वाल की रिपोर्ट। आपने कमल का फूल खिलाया, आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, इसलिए भाजपा की सरकारें आपकी सेवा करती। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वो कहते हैं इस देश में जब तक गरीब का कल्याण नहीं होगा, हिंदुस्तान का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक इस देश का गरीब अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक ये देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नगर पालिका में भी आपके पक्के मकानों के लिए जो प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, आज प्रमाण पत्र मिलेंगे, 2-4 दिन में फॉर्मेलिटी पूरी होगी, आपकी खाते क्या दिया गया आपके लिए। मकान, अच्छा, ये पक्का मकान बनेगा आपके लिए। अच्छा, तो इससे आपको खुशी है? काम चालू करो। क्या नाम आपका? गोपाल, बताओ। गोपाल यादव, तालाब। क्या काम करते हो? जमीन अमीन है आपके पास? नहीं है। अच्छा, लेंटर वाले घर आपने देखे हैं गांव में? अच्छा, कैसा लग रहा है आपका? छत वाला घर बनने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो सपना आपने देखा भी ना हो वो सपना पूरा होने जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। घर बनाएंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे? अच्छा, अभी कितने रुपए की राशि मिली आपको? अभी नहीं साहब, ये राशि अब चालू हो रही है। तो कितने उसका प्रमाण पत्र दिया गया, कितने रुपए का? एलसी योजना में स्वीकृति प्रमाण पत्र 400-500 रुपये लगे थे प्रमाण पत्र। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प बचा नहीं। हर वो अच्छी चीज़ जिससे देश में लोगों का हित हो, किसानों का, गरीबों का कल्याण हो, जी सर, उसका विरोध करना ये भर कांग्रेस ने अपना धर्म समझ लिया। जी सर, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जी, कोई भी कांग्रेस का नेता इस कृषि जो अध्यादेश था, जिनको हमने कानून बनाने का काम किया बिल पास करके जी, इसमें एक ऐसी कमी बता दे जो किसानों के खिलाफ हो। जी सर, मैं उसकी बात सहजता स्वीकार कर लूँगा और संशोधन कराने का काम कराऊँगा। जी सर, आज अकाली दल भी एनडीए को छोड़ने की बात कर रहा है। मैं आपको बताऊँ जी, हरियाणा हमारी सरकार कहती है किसान को किसी तरह के टैक्स से मुक्ति मिलना चाहिए। जी, मंडी में किसान माल बेचने जाता है, उसको किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। किसान घर से बेचे, बाहर से बेचे, देश में बेचे, विदेश में बेचे, उसको किसी तरह का किसान पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जी सर, पंजाब में हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा मंडी टैक्स 8% लगता है। जी सर, अगर आप 2000 का माल बेचते हो, 160 रुपये सरकार के खजाने में जाता है। जी सर, वहाँ उसमें उनको स्थानीय व्यवस्था को तकलीफ हो रही है, चाहे रूलिंग पार्टी हो या भविष्य में सरकार में आकर प्रदेश चलाने के लिए बड़े पैसे की आवश्यकता लगती है और किसान के माध्यम से पैसा आता रहे, वो मंडी टैक्स उनको उस चीज़ के लिए पेट में दर्द हो रहा है। पंजाब के लोगों को हिंदुस्तान में सर्वाधिक टैक्स पंजाब में है, किसान के ऊपर 8% मंडी टैक्स है। जी सर, और हमारी सरकार ने उससे मुक्त करने का काम किया है। किसान घर से बेचे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान व्यापारी के सीधा घर चला जाए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान मिलकर एक अपनी निजी मंडी बना लें, 2.5 एकड़ भूमि है, सरकार लाइसेंस देगी, प्राइवेट मंडी बन जाएगी। तो पॉलिसीज बनती हैं जी, और गतिरोध पैदा होता है, उससे नुकसान व्यवस्था स्थानीय स्तर पर होता है। जी सर, माननीय शिवराज जी ने जब मुख्यमंत्री थे जी सर, गडकरी जी आए थे, तय हुआ था कि इसको हम सड़क को चौड़ी करने का काम करेंगे और नर्मदा पथ के नाम पर हम इसको विकसित करेंगे। जी सर, दुर्भाग्य से हमारी सरकार बन नहीं पाई थी। कांग्रेस की सरकार आई, नीतियों में परिवर्तन किया, उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। जी सर, उनकी प्राथमिकता होशंगाबाद नहीं था, मध्य प्रदेश नहीं था, उनकी प्राथमिकता छिदवाड़ा थी, अन्य स्थान थी। इस कारण से हमारा ये मार्ग जो है पिछड़ गया। जी सर, हम लोगों ने फिर सरकार से बात की है, रिपेयरिंग का काम बरसात के तुरंत बाद से हम चालू करा रहे हैं और ये सरकार ये मार्ग चौड़ा हो। जी, इसके लिए विधायक जी, हम लोग लगातार 2 बार मिल भी चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बने हैं जी, और फिर आग्रह करने वाले हैं जल्दी ये सड़क व्यवस्थित हो जी। जो प्रस्ताव पुराना हमारा चौड़ीकरण का था वो प्रस्ताव दोबारा से लागू हो और उस पर हम काम करें, हमारी प्राथमिकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।